हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बेहतरीन और खूबसूरत नए दिन की शुरुआत होने जा रही है और बहुत ही बढ़िया दिन बाहर खिला हुआ है ओस्लो में। जबकि जो है अभी ये फरवरी का 18 तारीख आज, और यहाँ पर बहुत बढ़िया धूप खिली हुई है। और आप देखें क्या बेहतरीन धूप, क्या बेहतरीन जो है यहाँ पे बाहर का वेदर। और मैं जो है निकल गया हूँ थोड़ा ब्लॉग बनाने और एक दो काम निपटाने के लिए। और मेरे साथ हैं ओम तिवारी, और ओम तिवारी भी जो है जा रहे हैं इनके हेयर कट करने हैं। और रिधिमा तिवारी जी को भी भेजा गया है बाहर सामान लेने के लिए। तो दोनों जो है निकले हैं। ये देखें आप, रिधिमा अपनी जो है ट्रॉलर लेकर के जा रही है, और ये बाहर का कुछ वेदर इस तरह से। बर्फ़ अभी जो है साइडों में एकदम कर दी गई है। रिधिमा कहाँ, क्या सामान लाना है? सामान, घर का सामान। कहाँ जाएगी? कीवी। अच्छा, अपने लिए भी कुछ लाएगा? रिधिमा तो बहुत ज़्यादा छानी चालाक बनती है। कुछ ना कुछ तो लाएगी है। तो ये रिधिमा तिवारी जा रही है वहाँ, और मैं और ओम तिवारी जा रहे हैं जो है हेयर कट करने के लिए। ओम का हेयर कट करना है, बिल्कुल वो पुराने टाइम का जो हीरो होता है ना, वैसा हो गया। वो यहाँ यहाँ तक कलम आ गई है उसकी। तो जो है हम वहाँ जाते हैं ग्रीनलैंड सेंट्रल की तरफ, और फिर आप बने रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए। और ये देखो ये बर्फ़ में कैसे जो है इसके नाटक शुरू हो रखे हैं। और जब एक गिरेगा, क्या प्लान व्यूअर्स को है बोलो, क्या प्लान? बाल काटेंगे। हाँ, और हाँ। और बाल काटेंगे। बाल काटेंगे और उधर भी तो जाएंगे हम, ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस जाएंगे। हाँ, तो तो ये अब बता दिया ना। वहाँ घूमेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और तू बोलता है तो हो सकता है कि वहाँ चलना है। वहाँ चलेंगे, क्या बोलते हैं, एकरविक जा सकते हैं। हाँ, वहाँ से अच्छा व्यू आ जाएगा आज, क्योंकि बाहर जो है ना बढ़िया एकदम धूप है, तो एकरविक से बहुत बढ़िया व्यू आ सकता है। तो जी व्यूअर, हम बैठे हुए हैं अभी मेट्रो में, और अब हम जा रहे हैं, पहले तो हेयर कट होगा और उसके बाद हम जाएंगे उसके बाद एकरविक, और वहाँ से कुछ चुरोज फुरोज कुछ खा सकते हैं हम वहाँ। लेगो का तो अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट विल गो देयर। ओके, शोभा जी की किचन में देखते हैं कि आज जो है क्या बन रहा है। और फ्राइडे स्पेशल और वीकेंड की शुरुआत, और शोभा जी का भी मूड कुछ जो है खाने पीने का अच्छा, क्योंकि कल जो है शिवरात्रि का व्रत है, तो आज जो है कुछ चीज़ें चटपटी खाई जाएंगी। तो जी शोभा जी ने क्या बनाई है आज, चौमिन बना दिया भाई। तो ये देखें आप, शोभा जी की चौमिन एकदम झटपट, चौमिन खटपट तैयार हो चुकी है। इसमें बहुत सारी सब्जियां हैं। क्या क्या डाला है भाई शोभा जी इसमें, बताइए आप। पत्ता गोभी,
ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और क्या था, कुछ और भी था क्या? स्प्रिंग ऑनियन, ऑनियन बस। और ये मैदे के नूडल नहीं है, आटे के नूडल है, आटे के, हाँ आटे के हैं। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नूडल आते हैं ऐसे भी। तो जी ये एकदम मस्त सी चौमिन आ गई है, अभी आपको खा के टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये बनी कैसी है, इसका स्वाद कैसा है। और अब जो है हमारी यहाँ पे आ चुकी है चौमिन, एकदम झगास चौमिन तैयार हो चुकी है, मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम इसका आनंद उठाएंगे, ये देखें जी एकदम बेहतरीन चौमिन। और एकदम शोभा जी ने इसको बढ़िया बना दिया है, अब इसका स्वाद लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसी है, इसका टेस्ट कैसा है। तो जी यहाँ महारानी विक्टोरिया पधार गई हैं और ये जो हैं यहाँ पे आ चुकी हैं और अब ये जो है खाने की तैयारी, प्लेट एकदम अपना लगा करके महारानी विक्टोरिया हमारी रिधिमा तिवारी यहाँ आ चुकी है और अभी इनसे पूछा जाएगा कि इनका स्वाद जो है नूडल्स का स्वाद कैसा है। और शोभा जी जो है चॉपस्टिक ला रही हैं और महारानी विक्टोरिया के लिए चॉपस्टिक भी आ गई है और इनके लिए बिल्कुल खाना आगे से रेडी है। महारानी विक्टोरिया हमारे को भी देना। अब ये शोभा जी कुछ कह रही हैं, पहले प्लांट लेके आई हूं, प्लांट नहीं हम अभी आपको दिखा रहे हैं। आप पीछे जाए थोड़ा, ये मेरी बास्केट, ये बहुत क्या है, ये किस चीज का प्लांट है, ये आपको पता नहीं है? नहीं पता है, इसका नाम मुझे नहीं पता, पर ये सर्कुलेंट स्पीशीज है प्लांट की। ये क्या होता है? इनमें पानी बहुत कम देना होता है, काइंड ऑफ जिस फैमिली का कैक्टस होता है। ओके, बट इसका क्या है, इसको क्यों लाए आप, क्या महत्व है इसका? ये बहुत क्यूट से है, क्यूट है इसलिए। ये कौन सी बात हो गई यार, है। और महारानी विक्टोरिया का पहली बाइट मुंह में जाने के लिए तैयार एकदम, और महारानी विक्टोरिया का जो है व्यूज़ लिया जाएगा। ये देखें इन्होंने ये सपोड़ा सपोड़ शुरू कर दी है। और महारानी विक्टोरिया जरा बताएं कैसा है भाई? अच्छा है। नमक ठीक है? खट्टा ठीक है? मिर्च सही है? खट्टा बिल्कुल सही है। मीठा सही है? मीठा नहीं है? नहीं। तो आप शोभा जी को भी देखते हैं कि ये भी कुछ खाएंगी अब, और हम भी थोड़ा सा इसका टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। चलिए अब टेस्ट करा जाएगा, हम जो है देखते हैं शोभा जी के नूडल जो बना रखे हैं शोभा जी ने, आटा नूडल। ये है जी आटा नूडल शोभा जी के। टेस्टी तो है यार, मैंने कहा ना मेरे हाथ में बहुत टेस्ट है, बहुत ज्यादा जादू है भाई। ओम तिवारी, अब एक मूवी लगाई जाएगी, अब कोई सीरीज लगाई जाएगी और उसका आनंद लिया जाएगा, अब कोई काम नहीं किया जाएगा, सारे काम निपटा दिए हैं, अब कल के लिए तैयारी होगी, कल पूजा पाठ होगी सुबह, उसके बाद फिर स्पिरिचुअल टॉक का एक सेशन जो है मिसाइल करके लड़की है यूएस की जो कृष्ण भक्त है, उनके साथ कल इंटरव्यू है, उसका भी ग्लिम्प आपको मे बी इस वाले ब्लॉग में नहीं तो अगले वाले ब्लॉग में छोटा सा ग्लिम्प मिलेगा। और बाकी जो लोग स्पिरिचुअल उस इंटरव्यू को पूरा देखना चाहेंगे जहां पर आप देख रहे हैं कि मैं कृष्ण भक्तों से स्पिरिचुअल पर्सनालिटियों से क्या बोलते हैं इंटरव्यू कर रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, तो वो सारे आपको देखने को मिलेंगे स्पिरिचुअल टॉक विथ टीटी चैनल का नाम, और वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए आप ये ब्लॉग का एंजॉय कीजिए, हम अभी और भी अब थोड़ा सा चौमिन वोमिन खाते हैं और एंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करें।